जबलपुर के एक गांव में डायरिया का डर ग्रामीणों को सता रहा है, जिसके चलते 5 दिन से ग्रामीण टेंशन में हैं। यहां तक कि खाना पीना खाने में भी संकोच कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जबलपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर सिहोरा के भंडरा गांव की, जहां 5 दिन से लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। अभी तक गाँव के 2 लोगों ने अपना दम भी तोड़ दिया है, जिसके चलते गाँव के लोग डरे सहमे हुए हैं। तीन चार दिन के अंदर साहब यहाँ 2 मौत हो गई, एक महिला और एक बच्चा, और ये सब बीमारी के कारण। अब ये जो भी उल्टी दस्त हो रहे थे, अब बीमारी जो भी हो। दरअसल सिहोरा के भंडरा गांव में 5 जुलाई को 2 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत थी, लिहाजा दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें एक बच्चा और एक महिला शामिल थी। वहीं दोनों की मौत डायरिया से होने की भी पुष्टि हुई थी, जिसके बाद जबलपुर शहर सहित भंडरा गाँव में भी हड़कंप मच गया था। लोकल 18 की टीम जब भंडरा गाँव पहुँची, तब लोग डरे और सहमे हुए थे। हालांकि प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर थी, जो घर घर जाकर सभी के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही थी और ग्रामीणों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा था। फिलहाल अभी गांव से डायरिया के मरीज मिलना बंद नहीं हुए हैं। अभी तक 16 मरीज डायरिया के मिल चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वो उल्टी दस्त और की वजह से इनकी मौत हो गई। कितनी तारीख को बीमार हुए? 5 तारीख। फिर क्या किया आपने, दवाई वगैरह? दवाई वगैरह हम सुबह डॉक्टर यहीं थे, डॉक्टर को बुलाया, 2 इंजेक्शन लगाए और दवाई गोली दिए, फिर भी आराम नहीं लगा, फिर उनकी मौत हो गई। क्या हो गया था भैया? उल्टी दस्त हुई थी। कितने दिन पहले? रात से। कल रात से? नहीं, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। फिर दवाई कहाँ कराए? सिहोरा में। अब ठीक है तबीयत? अब सही है। क्या बोले डॉक्टर? कुछ नहीं, ये गर्मी बोल रहे थे। गर्मी। लोकल 18 की टीम ने जब पड़ताल की, तब कहीं ना कहीं आशंका हुई उल्टी दस्त की एक वजह गंदगी भी है, क्योंकि गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। ना ढंग की सड़कें थी, ना ही नाली, जिसके कारण नाली का पानी घरों के सामने से बहता है। इतना ही नहीं, गांव की आधी आबादी बोरिंग का पानी पीती है, जबकि आधी आबादी गांव में बनी पानी की टंकी पर निर्भर है, जो 3 साल से साफ भी नहीं हुई। जहां पाइपलाइन के माध्यम से हर घर नल योजना के तहत घर में कनेक्शन किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन नाली से होकर गुजरती है, जहां 3 लीकेज भी है, जिसके चलते नाली का पानी पाइपलाइन से आता है। पूरे गाँव में, गली में, रस्ते में, चौराहे में गंदगी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, साफ सफाई नहीं, सब चारों तरफ गंदगी फैली है। पानी के वाटर लाइन है जो सब लीकेज और फूटे उटे, जमीन के अंदर सड़े गले पानी आ रहा, और उसमें न कहीं लीकेज बंद है, ओपन लाइन हो तो वो पानी निकल जाए, वही भरा सड़ा पानी नल में आता है। गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, डायरिया फैल चुका है, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन गांव की सरपंच को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जब हमने उनसे सवाल किया, तब कहीं ना कहीं उनके चेहरे में निराशा की जगह खुशी नजर आई। 2 लोगों की डेथ हो गई, क्या निकल के आई वजह, क्या समस्या? उसकी सब कोई वजह नहीं निकली है, सब अपने अपने बच्चा, वो तो कुपोषण का शिकार था, और वो एक सियानी बुढ़िया थी, वो उस दिन शादी वादी थी उनके घर में, वो शायद वो लोग पीते खाते हैं, वो पी खा के रात भर वो लोग नाच गाना किए। जब सरपंच महोदया से पूछा गया कि गांव में नालियां बजबजा रही हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तब उन्होंने कहा ये ग्रामीणों की गलती है। उन्हें कई बार बताया गया है कि कचरा घर के पीछे फेंकें या फिर जला दें। हैरानी की बात तो यह है कि सरपंच को यह भी नहीं पता कि कचरा को नहीं जलाना चाहिए। तो हम करवा ही रहे हैं,
अब बाकी क्या है भाई, जनता साथ नहीं देती। अब उनको इतना समझाओ, बोल भाई कचरा आप लोग घर में पीछे डालिए या जला दीजिए, तो नहीं वो जहाँ एक फेंका तो वहीं दूसरे लोग भी जाके फेंकने लगते हैं कचरा। बहरहाल घटना पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना स्वयं नज़र बनाए हुए हैं, साथ ही टीम भी गठित की गई है जो गांव को लेकर संवेदनशील नज़र आ रही है और घर घर जाकर दस्तक भी दे रही है। 5 तारीख को शायद यहां पर 2 लोगों की तबीयत गड़बड़ हुई थी और उस दरमियान 2 मृत्यु हुई हैं, एक बच्चा है और एक महिला है, और उसमें ड्यू टू डायरिया मृत्यु हुई थी। उसके बाद से हमारी टीम सक्रिय रूप से यहाँ पर कार्य कर रही है, हालांकि उसके पहले भी कार्य कर रही थी लेकिन कहीं, और उस 5 तारीख के बाद से अभी तक 16 लोगों को उल्टी दस्त होने की पुष्टि हुई है और वो सभी कंट्रोल में हैं। उनमें से 6 लोगों को यहाँ से रेफ़र किया गया है जिनको भर्ती की आवश्यकता थी, जिन्हें सिहोरा या मझगवां भेजा गया है, बाकी लोगों को यहीं पर लोकल स्तर पर ही ठीक किया जा रहा है। साथ में हमारी टीम घर घर जाकर दस्तक भी दे रही है और घर घर जाकर केसेस का पता कर रही है। कोई भी अगर उल्टी दस्त का केस निकल के आ रहा है तो या तो उन्हें घर में ठीक किया जा रहा है, या तो उनको सेंटर में ला के ठीक किया जा रहा है, या रेफ़र किया जा रहा है। बहरहाल सरपंच और सचिव की लापरवाही इस मामले में उजागर होती है। यदि गांव में साफ सफाई तरीके से होती और समय रहते हुए ध्यान दे दिया जाता तब 2 लोगों की मौत नहीं होती। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।